फिरो और मेजी लगते हैं ओवररेटेड गाइस, द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन बीजीएमआई कम्युनिटी। एक हफ्ता हो गया भाई जिम में गए, बस बाहर का खा रहे डेली जिम जाने का सोचता हूँ पर जा नहीं पाते, स्विमिंग का भी सोच रहे पर जा नहीं पाए। अभी एक तरीका मिला है भाई, वहीं पे करेंगे जिम। और 10 मार के दिखा, चल पूरा जोर लगा दो सर, जोर लगा दो। नहीं तो ये आप कितना मारोगे? मैं तो 30-40 मार लोगे। 40 से ज्यादा तो मैं मारूंगा। तुम्हारा क्या वेट है? सच में सर बन गई भाई छाती। आज फिर मजा आएगा क्या? छाती बन गई? छाती बनी है। हाँ तो जेवन तुला देव मला जेवन पाहिजे। काय झाला? काय झाला भैया? बघतो बघतो भाई, मॅचेस देख रे भाई अब थ्रस के। चलो बॉयज रेडी हो चुके भाई डे 4 के लिए। आज से अपने वाह अमर भाई क्या बॉडी है, क्या बॉडी है वाह। आज से गाइस दो दो मैचेस हैं हमारे, ठीक है। अब देखते हैं यार, कल के तो ज़्यादा अच्छे नहीं गए बट आज हमें लग रहा है कि आज अच्छे जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस आज सुबह से ही बंदे कर रहे हैं अपने, ठीक है। और अमर भाई कैसा लगा आपको ये बेड, ये रूम का बेड तो मेरी कैसे बेड बताओ कैसा लगा आपको? नंगी अच्छा लड़का है, ओके। मुझे लगा कौन रेडी है ऐसे प्रेस लेके। अच्छा मुझे लगा भाई पता नहीं कौन ये ले आया अमर भाई। चलो यार अच्छा है। ये है यार हमारी जिंदगी एक छोटे से कमरे में बंद हम। इधर दो बंदे रहते हैं और दो एक और रूम ले रखे हैं वहां पे भी रहते हैं, नेट एकदम टट्टी है। तो बस यार चल रही है जिंदगी, कट रही है। हमें क्या, हम थोड़ी ई स्पोर्ट प्लेयर है भाई जो नेट चाहिए। अच्छा हमें तो बस कैमरा उठाना है और व्लॉग कर देना है और रात में एडिट कर देना है। पुशअप वुशअप कर लिए भाई हल्के से, बॉडी शॉडी जा रही है धीरे धीरे। डोला दिखेगा कि नहीं भाई? भाई डोला तो दिख रहा है, थोड़ा बहुत बचा तो है यार। जिम जाना पड़ेगा गाइस वरना सब खत्म हो जाएगा यार। ये सब इतनी मेहनत से डाइट वाइट करके बनाता हूँ और यहाँ खा रहा हूँ मैं आलू के पराठे डेली। हेलो भाई लोग आ गए अपने प्लेस, रेडी हुए कि नहीं भाई? वैस जा रहे हैं। डे कौन सा है चंद्र भाई? डे 4 डे 4 है आज। आज दो मैचेस हैं, नया है ना नीचे जाएंगे एकदम से। नहीं बट वैसे तो डे 4 हो गया ना। हेलो गाइस जाने से पहले हल्का सा कुल्लड़ चाय अमर भाई लेकर आए, कोकोनट बिस्किट। कौन से वाले अमर भाई? ये पहले बहुत खाता था मैं बचपन में। ये पता नहीं कौन सा है, ये अलग है बट अमेरिकाना बिल्कुल सेम टेस्ट है। हेलो भाई लोग आ गए भाई, आज भी मैचेस चल रहे हैं इधर इधर। अपने नूमन वाले तो शायद खेलने गए हैं, क्या लगता है शांतनु भाई? KFC दिख रहा है मुझे यार बस। चलो गाइस टेस्टिंग चल रही है अभी, ठीक है। इधर अपने सबसे आगे बैठते हैं। डे 4 स्टार्ट, बंदे बैठे अपने किधर, आज ऊपर बिठाया है भाई। चलो देखते हैं आज ग्रुप में अपने कौन कौन है। शायद नूमन भी है, गोडलाइक भी खेल रही है, सोल भी, आज सब अच्छे एक ही ग्रुप में है भाई। नाइस देखो बॉयज कहाँ से सब हैंडल होता है, जो भी तुम्हें रूम का दिखता है ना सीन भाई, ये सब हैंडल करते हैं भाई। चलो भाई ओशन गिफ्ट दे रहे हैं पाजी को।
मेरे हाथ में तो आ जाएगी। इनकी पूरी घड़ी यहाँ पे है और ये मेरा पूरा, ये मेरी कलाई है। मेरे हाथ में देगा, इनके आ जाएगी, इनके आ जाएगी, अमर भाई की आ जाएगी। चलो थैंक यू अमर भाई को गिफ्ट करने के लिए। भाई हाँ, एक चीज बताओ, गेम में से कौन सी गन हटनी चाहिए? एक TPS पक्का, किस लिए? सारी शॉट गन हटनी चाहिए। और कास्टर में से कौन सा कास्टर हटना चाहिए? हैंग हो गया, हैंग हो गया। जो कास्टर्स यहाँ कास्ट कर रहे हैं या फिर मतलब ऐसे, मतलब नहीं, मतलब आप बोलते हो ना, मतलब अभी किसी हाँ। चार प्लेयर है तो आपका ओपिनियन रहता है हाँ। कि ये प्लेयर को बेंच करना चाहिए, हाँ। इसको चलाना चाहिए हाँ। तो और कौन कास्टर रखना चाहिए इसे? यहाँ पे जो कास्टिंग कर रहे हैं उसमें से और कहीं का भी बता दो, कोई भी, कोई भी बता दो। आपको किसे हेटा बताओ? मैं तो वैसे नहीं बोलूंगा, पूछ रहे कास्टर्स में से कौन सा कास्टर हटना चाहिए ओवरऑल सारे कास्टर्स में से? ये प्लेयर के ऊपर कमेंट करते हैं ना, ये प्लेयर हो गया, मैं पूछ रहा हूं कास्टर, हम कहां कमेंट करते हैं? कौन ओवररेटेड कास्टर है आपके हिसाब से? ओवररेटेड कास्टर, यस नाइस क्वेश्चन। ओवररेटेड कास्टर, रुक जाओ, आपकी कंट्रोवर्सीज किसके साथ सबसे ज्यादा है वो बताओ? सबसे ज्यादा नहीं नहीं ऐसे कहां है? अरे हमारे ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर बताओ। नहीं नहीं आपको क्या लगता है? मुझे उनका फ्लो अच्छा लगता है, जो हिंदी का वो शुद्ध हिंदी यूज करते हैं, बट जो ओपिनियंस वो थोड़े ज्यादा दे देते हैं वो शायद दिक्कत हो सकती है। हमारा काम है गेम खेलना, हम गेम खेलते हैं बरोबर, कास्टर का काम है गेम के ऊपर कास्टिंग करना, तो ओपिनियन की क्या बात आ जाती है इसमें? ओपिनियन क्यों देना है? मैं मेजी को कॉल करता हूं बिल्कुल, मतलब मेजी है। चलो गाइस अनफिल्टर्ड व्लॉग, क्योंकि मेरे को पता है वही बात आएगी। ओशन भाई घड़ी कब दे रहे हो अपनी? देखो मैं बताता हूँ सीन क्या है, ये सब टीम्स के लिए खुला चैलेंज है। अगर कोई भी एक टीम हैट्रिक चिकन डिनर्स मारती है, सो उन हैट्रिक्स में जो भी स्टार फ्रैगर होगा, क्योंकि उसके कारण ही मतलब ज्यादा फ्रैग्स हुए, उस हैट्रिक में जो भी स्टार फ्रैगर होगा उसको एक घड़ी में दो। पक्का? हाँ, हैट्रिक घड़ी क्या है? वो तो मैं भी दे दूंगा भाई 10,000। अरे घड़ी चलेगी, घड़ी का अमाउंट बताओ? 50,000। चलो मिनिमम 50,000। चलो ठीक, बढ़िया। एक हैट्रिक आने पे एक हैट्रिक चिकन डिनर, मतलब हैट्रिक चिकन डिनर, तीन चिकन डिनर्स कोई भी एक टीम निकालती है, तो जो भी स्टार फ्रैगर होगा उसको एक घड़ी। चलो डील डन, अगला है अभी, इसको पूछो सेम सवाल। चलो भाई भाई जॉनी भाई, जॉनी भाई तो गलत गली में आ चुका है, यहां गांड मार रहे सबके। जॉनी भाई रे पूछ लो, तो एक सिंपल सवाल है, ठीक है, हु इज द मोस्ट ओवररेटेड कास्टर? ये पूछ रहे हु इज द मोस्ट ओवररेटेड कास्टर? नहीं बताओ, अरे अपना नहीं बताना है। जॉनी ऐसा नहीं है कि यहाँ का बोलना है, तू बाहर का भी बोल सकता है। और चलो बीच में कम्युनिटी में ओवररेटेड, तो कोई ओवररेटेड प्लेयर है? अरे एक भाई, ये क्या बात हुई? हमारा प्लेयर नहीं भाई मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर, हम लोग में, अच्छा ये हम लोग नहीं बोल सकता। चलो अभी बताओ, फिक्सेस चलो सेफ हो गया, एक गन बता जो गेम में से हटनी चाहिए, एक गन बता जो गेम। DBS पक्का? अभी तू बता, एक गन बता जो तू गेम से हटाना चाहेगा। DBS भाई सब यही बोलेंगे। ओए एक ओवररेटेड प्लेयर बता। प्लेयर बता दे रहा, ओवररेटेड असॉल्टर देख देख रहा है भाई। निंजा, चल भाई लाला, गेम से कौन सी गन हटनी चाहिए एक वो बता पहले। कोई भी नहीं, सब चलता है तेरे को। और मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर बता IGC का कौन है, बता दे अपनी टीम। नहीं वो अपनी टीम में है ही नहीं ना, नोटिंग को छोड़ क्यों
मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर कौन है आईसीसी का? सेफ मत इसे बताया, पहले ये बताएगा भाई, कार्तिक भाई ने बताया है। रुक रुक, आईसीसी स्क्रीन पे बहुत बार बताया ओवररेटेड प्लेयर कौन है। हाँ वो भी है, चल कोई पहले ये बताएगा फिर बता। दोनों साथ में बता दो, पहले देख अभी कैसा बोल रहा था मेरे को, मेरे को क्या है वो बताएगा वो। चल दो के नाम बता दे, फिर से पूछ दे। ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा बट मैं हाइप के लिए टफ बना रहा हूँ। आई गेस वही रैंक गुड, वही अच्छा। बता तू अपने मुंह से बता, मैं स्काउट की बात कर रहा हूं। स्काउट की बात, ओके चल भाई ठीक है, बता दिया अभी तेरा बता। माय आंसर इज द सेम, मेरा रहेगा नया देता हूँ ना कुछ। तुझे कौन लगता है वो बता। हाई पे बट उतना खेलते हैं, नाम का बचता है बस। अभी मैं कौन कौन है? हाँ अभी कौन कौन है? नियो को क्या पता, तू बता। नियो कौन सा? नियो सोल नियो। ओके भाई चल बता भाई, मोस्ट ओवररेटेड आईजीएल तेरे हिसाब से कौन है? मुझे ओजी का ऐश लगता है। ओजी का ऐश लगता है, ऑफिशियल खेले नहीं है बट फिर भी हाइप है। अच्छा तो गाइस प्लेयर्स से तो पूछ लिया हमने प्लेयर्स का, अभी है हमारे पास मैनेजर। बाजी बताओ कौन है ओवररेटेड मैनेजर आईजीसी में? हाँ सेठ। सेठ पक्का? चलो ऐसा क्यों? ऑनलाइन आके थोड़ा ज्यादा ही ज्ञान देता है। अच्छा चलो बाजी अभी बताओ मोस्ट अंडररेटेड कौन है मैनेजर, सभी बता दो। चलो भाई शांतनु सब कुछ मैनेज करता है। Most overrated. सारा मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर बता भाई तेरे हिसाब से। मोस्ट ओवररेटेड कौन है बे? पता कोई भी लगता है तेरे को? पता नहीं बे। तेरे को देख रहा है, तेरे को देख रहा है। मेरे को पूछा था, मैंने सारा बोल दिया। रेक्स। चल भाई रेक्स का नाम। ये बोलते रेटेड ही नहीं है। चल भाई सारंग अभी बता मोस्ट ओवररेटेड कास्टर। मोस्ट ओवररेटेड कास्टर नहीं है। दो तीन नाम आ रहे थे, बट एक मोस्ट ओवर कास्टर इन बीजीएमआई कम्युनिटी। ओवर रेटेड नहीं, सबसे तेज ओशियल शर्मा है। तेज ओशियल शर्मा है, ओवर रेटेड बता। ओवर रेटेड कोई नहीं, ओवर रेटेड कोई भी नहीं है यहाँ पे, नहीं बोल रहा मैं बीजीएमआई कम्युनिटी का बोल रहा हूँ। पूछो हाँ ओवर रेटेड प्लेयर बता। देखो इज द मोस्ट ओवर रेटेड कास्टर इन बीजीएमआई कम्युनिटी। ओवर रेटेड हाँ ओशन। ओके सेंसी भाई Who is the most overrated caster in BGMI community? तू वो सब छोड़, तू वो player बन। नहीं नहीं पहले इसको caster बताने दे। Caster का यार ऐसा तो मतलब है दिमाग में। सबने बताया भाई, बोल एक नाम लेना तेरे को। Caster का मुझे सारे मतलब ठीक लगते हैं, मैं mute करके देखता। ठीक लगते हैं, चलो ठीक लगते हैं। और overrated player? हाँ। Overrated player? मुझे तेरा answer पता है ऐसा मुझे लग रहा है। क्या हो गया इनसे? मैं बता नहीं, दो तीन है। एक तो बोलना, एक बता बस, एक बता। सबने बताया भाई, तू ही रहेगा बस। चलो पंग बोल लेता हूँ, बता चल ही रहा है। अरे भाई वो समझ जाएगा मैंने क्यों बोला। पंग बोला पंग। बाकी का नाम लेता हूँ भाई। हाँ चलो फियर्स, हु इज द मोस्ट ओवररेटेड प्लेयर इन बीजीएमआई कम्युनिटी? स्काउट एंड पंग। स्काउट एंड पंग ओके। हेलो 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 हेलो, who is the most overrated caster in BGY community? Mezi. भाई तो सीधा छूटते हैं। तू? हाँ Mezi। अरे अपना वो था। और overrated player? Overrated player? बहुत सारे, एक नाम लेना है बस। Player तो नहीं, overrated IGL बोलूँगा। कौन है?
भाई सब लोग सेंचुरी का ही नाम ले रहे भाई। तू बता। एंकर तू बता। ओके। पैराडॉक्स मुझे पैराडॉक्स। पैराडॉक्स तू बता। ओवररेटेड कास्टर कौन है? कास्टर? हाँ। मैंने दो तीन लोगों की कास्टिंग देखी है, मेजी और उसकी एंकी बॉल पे अच्छा करता है तो मेजी। ओवररेटेड बोल रहा हूँ मैं। ओवररेटेड। हाँ। मेजी। और प्लेयर? अबे बहुत सारे लोगों से पूछा है, इतना लोड नहीं है, बिंदास बोल। हाँ वैक्सी। ओके फोटो रे। मैं बताता हूँ सीन क्या चल रहा है। हाँ। सब खिलाड़ी को खड़ा कर रखा है, गॉड लाइक ने लगा ले रखा तेल। हाँ। लगा रहे तेल, सबको झुका रहे है। भाई सबसे पहले शुरुआत हमसे ही हुई थी। अच्छा। तो हम खुद को ही झुका के कैसे ये प्रोसेस? भाई तुम्हारा नाम बहुत है। सुनो क्या कास्टर्स पे? नहीं 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 सुनो पहले तो मुझे ये बताओ हाँ। खुद को झुका के तेल लगा के कैसे प्रोसेस करते हैं? खुद को नहीं बाकियों को कर रहे हो आप, मैं कह रहा हूँ बाकियों को। शुरुआत हमसे ही की थी ना हमने। भाई हम हैं ओवररेटेड यार, हम हैं ओवररेटेड। नहीं 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 ये चीज मैं नहीं मानता। बस आपने बोल दिया है, मेरे लिए बहुत है, फिर जो बोले उसकी माँ मेरी आंटी। तू बंदा कैसा भी हो कास्टर बेस्ट है। वहीं पे अभी he is trying और उनकी नजरों के सामने क्या जोन के बाहर से चिकन आएगा। वेल शॉट सभी ने लिए हैं लेकिन थोड़ा सा डैमेज और जादू खुद को सेफ रखना चाहते हैं। तो गाइस यही था आज का दिन, दो मैचेस थे अच्छे गए और कल परसों भी दो मैचेस हैं, तो वो भी अच्छा खेलेंगे धीरे धीरे और अच्छा। तो अभी जा रहे हैं भाई सोने, थोड़ी देर व्लॉग एडिट करूंगा, उसके बाद थोड़ा ग्राइंड करूंगा, फिर सो जाऊंगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। डेली व्लॉग का कह नहीं सकता अभी, मैं एक एक दिन बाद शायद से एडिट करता रहूँ वो, मतलब अपलोड करता रहूँ, क्योंकि एक दिन मेरे पे आ जाएगा और एक दिन गॉड लाइक के चैनल पे, तो शायद डेली भी आ सकता है। ठीक है, तो यही चलेगा अभी। बाय बाय, टेक केयर।